हेलो एवरीवन, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट है, मोस्ट लॉन्ग पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। और इसके भी दो हिस्से हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ते हैं, स्मॉल और लार्ज। और इंटेस्टाइन्स ऐसा पार्ट है जिसमें इंटेस्टाइन ऐसा पार्ट है, आप ऐसा समझिए कि एक ट्यूबुलर पार्ट है और काफी लंबा है। और इंटेस्टाइन्स में जब फूड कंटेंट पहुंचता है, जिसको हम इंटेस्टाइनल कंटेंट भी कहते हैं, तो इस कंटेंट को प्रॉपरली डाइजेस्टेड और मेटाबोलाइज्ड होना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, वो प्रोन होती है बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को लेकर, जैसे टाइफाइड होता है। तो ये जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है, इट शुड बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड एंड मेटाबोलाइज्ड। इसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन भी हम देखते हैं, जैसे टेप वॉर्म है, रिंग राउंड वॉर्म्स हैं, है ना। तो ये वॉर्म इन्फेस्टेशन भी इसमें हो जाती हैं। डायरिया, डिसेंट्री तो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ही। तो इस तरह से ये इंटेस्टाइन्स हैं, सबसे लंबा हिस्सा है डाइजेस्टिव ट्यूब का। इसके दो हिस्सों में हम आज स्मॉल इंटेस्टाइन्स लेंगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये यूं समझिए कि लार्ज इंटेस्टाइन से है बड़ा हिस्सा, पर ये लेस डिस्टेंसिबल होता है। लेस डिस्टेंसिबल से क्या मतलब है कि ये बहुत ज्यादा, जब कंटेंट इसमें आता है तो बहुत ज्यादा फैलता नहीं है, इसमें डिस्टेंशन कम है। जबकि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, वो होता तो छोटा है लेकिन उसमें डिस्टेंशन बहुत अच्छा होता है, इट इज मोर डिस्टेंसिबल। तो ये भी इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंस होता है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है, 6 मीटर्स ये लंबी है। और जो स्टमक का लास्ट एंड है पाइलोरस, वहां से शुरू होकर इसको हम इलियोसीकल जंक्शन तक हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगेन इसके भी हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं। तो ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो दो हिस्सों में हम, छोटी आंतें भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं, तो ये इसको भी हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। जो अपर पार्ट है इसका, आप ये समझिए सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर का 25 सेंटीमीटर पार्ट है, वो हम अपर पार्ट में लेते हैं, जिसको हम डियोडेनम भी कहते हैं। क्या डिफरेंस अपर पार्ट का और लोअर पार्ट का है? ये जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये स्टेबल पार्ट है, इसमें मोबिलिटी नहीं है, ये स्टेबल पार्ट है। तो जो हमने अपर पार्ट देखा, सबसे पहली चीज कि वो 25 सेंटीमीटर लंबा है, और रेस्ट ऑफ द, आप ये समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबी होती है, तो 6 मीटर में से सिर्फ 25 सेंटीमीटर हम अपर पार्ट में लेते हैं, और जो बाकी लोअर पार्ट है वो पूरा आपका लोअर पार्ट में आता है। दूसरी चीज, जो अपर पार्ट है उसी को हम डियोडेनम कह रहे हैं, और ये स्टेबल पार्ट है, इसमें मोबिलिटी नहीं होती। फिर आता है आपका लोअर पार्ट। जो आपका लोअर पार्ट है, वो रेस्ट ऑफ द पार्ट अदर देन दिस अपर 25 सेंटीमीटर, ये आपके लोअर पार्ट में आता है। और ये पार्ट जो है, ये अनस्टेबल पार्ट है, मतलब इसमें मोबिलिटी होती है, ये मोबाइल पार्ट है। और इस पार्ट में खास बात है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये पार्ट क्योंकि काफी लंबा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लगभग पार्ट यही पार्ट कवर कर रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये एक कॉन्वोलेटेड ट्यूब के फॉर्म में रहता है। कॉन्वोलेटेड मींस मुड़ी हुई, मतलब उसमें इतने घुमाव हैं, इस तरह से जैसा आपने देखा भी है कि हम इंटेस्टाइन्स को ऐसे घुमावदार, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन्स हम बनाते हैं। तो व्हाट दिस इज शोइंग, ये यही शो कर रहा है कि ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है और मोबाइल पार्ट है ये। तो इसमें कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा मोबिलिटी इस पार्ट में है। और अगेन हम इस लोअर पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आप ऐसे समझिए, अगर ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है, अगर हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो जो अपर 2 पार्ट्स हैं, या हम इसको कहेंगे 2/5 पार्ट, जो अपर 2/5 पार्ट है, ये आता है जेजेनम में। इसको हम कहते हैं
जेजुनम, और जो लोअर आपका 3/5 पार्ट है इसको हम कहते हैं इलियम, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द अपर पार्ट इज नॉट मोबाइल, इट इज अ स्टेबल पार्ट, एंड वी ऑल्सो नोन वी ऑल्सो कॉल इट एज डियोडेनम, एंड इट इज ओनली 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, एंड द लोअर पार्ट विच इज अ मोबाइल पार्ट, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इस तरह से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स के फॉर्म में है, एंड दिस पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, द अपर 2/5 इज जेजुनम एंड द लोअर 3/5 पार्ट इट इज इलियम, करेक्ट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, और इसके स्ट्रक्चर में कुछ खास बातें भी हैं तो मैं आपको बताती हूँ। स्पेशल फीचर्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स के डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं वो मेल्स में एज कंपेयर टू फीमेल्स लंबी होती हैं, और कैडेवर में एज कंपेयर टू लाइव इंडिविजुअल ये लंबी होती है। तो कैडेवर में ये लंबी है ऐसा क्यों, क्योंकि जब डेथ हो जाती है आफ्टर डेथ द टोनिसिटी ऑफ द इंटेस्टाइन्स इट लूजेस, तो वो खत्म होने के कारण क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स लंबी हो जाती हैं थोड़ा, तो इसलिए अगर हम लाइव इंडिविजुअल से कंपेयर करें तो कैडेवर में जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो लंबी पाई जाती हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के आपको पता होने चाहिए, स्पेशल फीचर्स जो हैं इसके। जो स्पेशल फीचर्स हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सबसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर है वो ये है कि ये बहुत लार्ज सरफेस एरिया कवर करती है, लार्ज सरफेस एरिया, राइट। तो ये जो लार्ज सरफेस एरिया ये कवर कर रही है ये एब्जॉर्प्शन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, तो ये लार्ज सर्फेस एरिया इसको बहुत हेल्प करता है। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या स्ट्रक्चर में ऐसा है जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है इसका लार्ज होता है। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है सर्कुलर फोल्ड्स। पहला फीचर अगर मैं आपको बताऊं तो सर्कुलर फोल्ड्स इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, सर्कुलर फोल्ड्स, इन फोल्ड्स को हम प्लीके सर्कुलेयर्स भी बोलते हैं, या फिर एक और टर्म इसके लिए यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं वॉल ऑफ कर्करी। तो ये एक्चुअली में फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज सरफेस एरिया, और इस लार्ज सरफेस एरिया के क्या क्या रीजंस हैं व्हाई द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्ज। तो पहला रीजन तो वैसे यही है कि लेंथ बहुत ज्यादा है, तो आपको भी जब अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कोई आपसे पूछता है तो पहला रीजन आपको भी ऑब्वियसली यही देना है कि लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज वेरी लार्ज, तो लंबा होने के कारण भी इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। बट उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर है जो सरफेस एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है वो सर्कुलर फोल्ड्स हैं, जिनको प्लेका सर्कुलेयर्स भी बोलते हैं या फिर हम वॉल ऑफ कर्करिंग्स बोलते हैं। तो ये सर्कुलर फोल्ड्स एक्चुअली क्या हैं, ये म्यूकोजल लाइनिंग में फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इस तरह से ये सर्कुलर फोल्ड्स ऐसे म्यूकोजल लाइनिंग के प्रेजेंट होते हैं, कुछ सर्कल्स इसमें कंप्लीट भी होते हैं फोल्ड्स के और कुछ इसमें इनकम्प्लीट होते हैं। तो इस तरह से लाइनिंग में ये सर्कुलर फोल्ड्स दोनों तरफ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये फोल्ड्स होने के कारण और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का। दूसरी चीज क्या है अबाउट दी सर्कुलर फोल्ड्स, दीज फोल्ड्स दे आर परमानेंट। परमानेंट से क्या मतलब है, परमानेंट से ये मतलब है कि ये फोल्ड्स जो है जब इंटेस्टाइनल कंटेंट इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्टेंड करता है तो ऐसा नहीं है कि ये खुल जाते हैं, मतलब अगर फैलाव स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ये फोल्ड्स ओपन हो जाए या खुल जाए, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। तो ये इनको हम
परमानेंट फोल्ड्स कहते हैं, और एक और खास बात है इन सर्कुलर फोल्ड्स की, प्लीकर सर्कुलर्स की, कि ये जो फोल्ड्स हैं, एक तो देखिए ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ एक और बहुत अच्छा काम ये करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, कि ये जब यहां से इंटेस्टाइनल कंटेंट पास करता है तो ये पैसेज को स्लो डाउन कर देते हैं। अगर आप सपोज करिए कि अगर ये फोल्ड्स ना हो तो एकदम जो कंटेंट है वो स्ट्रेट मूव कर जाएगा, लेकिन जब यहां पर एक तरह से ये ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करते हैं तो ये जो पैसेज ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट है इट स्लोज डाउन, तो स्लो डाउन होने के कारण वो कंटेंट ज्यादा देर के लिए यहां पर रुकता है एंड इट इज वेरी गुड फॉर गुड एब्जॉर्प्शन। तो यहां बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन प्लीकर सर्कुलर्स के कारण हो पाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है व्हाई सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज गुड, तो मैं आपको बताती हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि यहां पर एक और फीचर है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल विलय। ये इंटेस्टाइनल विलय क्या है? ये इंटेस्टाइनल विलय प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और ये प्रोजेक्शंस कहां होते हैं? ये भी म्यूकोसल लाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये बहुत सारे होते हैं, स्प्रेड होते हैं पूरी लाइनिंग में, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये लगभग 1 to 2 mm लॉन्ग होते हैं, और अगर डेंसिटी की बात की जाए तो ये इसकी डेंसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा इसकी डेंसिटी रहती है, तो ये 10 to 40 पर स्क्वायर mm इसकी डेंसिटी होती है, जो आपको याद रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो डेंसिटी हो गई, और इसकी लेंथ जो होती है 1 to 2 mm लॉन्ग होती है। तो ये जो इंटेस्टाइनल विलय है ये भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, और इट इज वेरी गुड फॉर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है, इससे पहले जो हमने सर्कुलर फोर्स डिस्कस किए थे थोड़ा उनका लोकेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। जो सर्कुलर फोर्स हैं म्यूकोसल लाइनिंग में जिनको हम प्लीकर सर्कुलर्स कहते हैं, वो सर्कुलर फोर्स ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट से शुरू होते हैं एक्चुअली। तो सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से शुरू होकर वो मेजर ड्यूडेनल पैपिला तक एक्सटेंड करते हैं ड्यूडेनम में, और ये मेजर ड्यूडेनल पैपिला क्या है, ये वो पार्ट है जहां पर आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट ओपन होते हैं ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में सेकेंड पार्ट से शुरू होकर मेजर ड्यूडेनल पैपिला तक आपके सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। फिर आता है आपका जेजुनम। तो ये जो अपर हाफ होता है जेजुनम का, यहां से नंबर में भी और साइज में भी ये जो फोल्ड्स हैं ये डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं, ये डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं, और जो डिस्टल पार्ट ऑफ जेजुनम एंड जो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है इलियम का, वहां तक ये काफी कम हो जाते हैं, काफी कम हो जाते हैं, और ये समझिए कि जो इलियम का डिस्टल पार्ट है ऑलमोस्ट वहां पर ये एब्सेंट होते हैं। इसी तरह जो विलय होते हैं इंटेस्टाइनल विलय जो हमने डिस्कस किए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, एक तो पहली चीज क्या है, जब हम अगर अपेयरेंस की बात करें तो एक वेलवेटी अपेयरेंस वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को देते हैं, और वो ड्यूडेनम और जेजुनम में
विलाई जो है ड्यूडेनम और जेजुनम में लार्ज है और न्यूमरस है, और जो आपका इलियम होता है उसमें वो स्मॉल है और फ्यू है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये बात हो गई आपके सर्कुलर फोल्ड्स और विलाई की। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज इम्पोर्टेंट आती है वो आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स उनको हम ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो कि जेजुनम और इलियम में है। ट्यूबुलर ग्लैंड्स उनको क्रिप्ट्स ऑफ लिवर को भी बोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट ये फीचर में आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन के, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो जेजुनम इलियम में ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जेजुनम में और आपके इलियम में। इनको हम क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन भी बोलते हैं। और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन भी बोलते हैं। और ये ट्यूबुलर ग्लैंड जो जेजुनम और इलियम में प्रेजेंट हैं, ये ग्लैंड्स म्यूकस लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है, म्यूकस लाइनिंग में ये प्रेजेंट हैं। और ये ग्लैंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स और आपका म्यूकस सिक्रीट करते हैं। वैसे ही कुछ ग्लैंड्स ड्यूओडेनम में भी हैं। तो जो ड्यूओडेनल ग्लैंड्स होते हैं उनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड बहुत छोटे हैं और इनकी ये खास बात है, जो डिफरेंस भी है आपके ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स से जो जेजुनम और इलियम में है, ये ग्लैंड्स म्यूकोजा में ना होकर सब म्यूकोजा में होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करते हैं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये सिक्रीट नहीं करते हैं। तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात हो गई। इसके बाद जो फीचर आता है वो आता है लिम्फैटिक फॉलिकल्स। फॉलिकल्स आप सब लोग समझते हैं लिम्फैटिक फॉलिकल्स क्या होता है। लिम्फैटिक फॉलिकल टिश्यूज का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच इज रिलेटेड विद द इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम कह सकते हैं हमारे लिम्फैटिक से रिलेटेड जो टिश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड है ये। और ये जो टिश्यूज होते हैं लिम्फोइड फॉलिकल जिन्हें हम कहते हैं, इनमें बी सेल्स टी सेल्स होते हैं और अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, तो ये लिम्फैटिक से रिलेटेड है। तो ये जो लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं और ये दो तरह के होते हैं, लिम्फैटिक फॉलिकल्स। इनको हम लिम्फैटिक लिम्फोइड फॉलिकल्स भी कह सकते हैं। तो दो टाइप के ये होते हैं, एक होते हैं सॉलिटरी और एक होते हैं एग्रीगेटेड। तो सॉलिटरी से एज द नेम सजेस्ट आप समझ रहे होंगे, सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला। तो ये जो लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, सॉलिटरी लिम्फोइड फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स अलग अलग स्प्रेड रहते हैं लाइनिंग में, और जो एग्रीगेटेड होते हैं ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं और ये पैचेस बना लेते हैं, कुछ सर्कुलर और ओवल पैचेस बना लेते हैं ग्रुप बनाकर। तो इनको हम पेयर्स पैचेस भी कहते हैं, जो आपके सॉलिटरी फॉलिकल्स हैं इनका लगभग 1 से 2 mm डायमीटर होता है और ये ग्रुप्स में ना होकर ऑल ओवर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल ओवर लाइनिंग में ये स्प्रेड हुए रहते हैं, फैले रहते हैं। जो एग्रीगेटेड फॉलिकल्स हैं जिनको हम पेयर्स पैचेस भी कह रहे हैं, जो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं ओवल या सर्कुलर, ये लगभग आप समझिए ये 10 सेंटीमीटर, 2 से 10 सेंटीमीटर तक का इनका डाया होता है अगर हम एक एवरेज रेंज लें। और जो पैचेस ये क्रिएट करते हैं, ये पैचेस, इन पैचेस में एक पर्टिकुलर पैच में लगभग 200 तक भी, 10 से 200 आप कह सकते हैं फॉलिकल्स, और कई बार इससे ज्यादा भी फॉलिकल्स हमें मिलते हैं।
तो ये जो पेयर्स पैचेस हैं इससे रिलेटेड जो इनकी लोकेशन से रिलेटेड बात है, डियोडेनम में ये पैचेस नहीं होते, डियोडेनम में ये पेयर्स पैचेस एब्सेंट होते हैं और इलियम में ये सबसे ज्यादा होते हैं, न्यूमरस होते हैं और लार्ज होते हैं, जबकि जो जेजुनम है आपका उसमें ये कम है और ये स्मॉल है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि पेयर्स पैचेस आर रिलेटेड विद द लिम्फैटिक्स, लिम्फोइड फॉलिकल्स के एग्रीगेटेड ग्रुप्स हैं ये, और ये पैचेस जो हैं ये ओवल या सर्कुलर शेप में रहते हैं, इलियम में सबसे ज्यादा है, डियोडेनम में ये नहीं है और जियोजेनम में ये छोटे और कम संख्या में है। ये जो पेयर्स पैचेस है इनका क्लिनिकल रेलेवेंस भी है, ये पेयर्स पैचेस आपको अल्सरेटिव नजर आते हैं जब भी कोई डिजीज होता है, जैसे कि टाइफॉइड है, कोई इन्फेक्टेड डिजीज जब भी होता है कोई, तो ये अल्सरेट हो जाते हैं और ये अलग से अल्सरेटेड ओवल पैचेस के फॉर्म में नजर आते हैं, तो ये इनका क्लिनिकल रेलेवेंस है। तो ये बात हमने करी पेयर्स पैचेस की। ये जो लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स अल्टीमेटली कहां ड्रेन करते हैं, क्योंकि ये हैं लिम्फैटिक से रिलेटेड ही, ये कुछ लिम्फ वेसल्स होती है हमारी लाइनिंग में, पहले तो प्लेक्सस बने रहते हैं लाइनिंग पे, वहां जाके ड्रेन होते हैं और उसके बाद ये लिम्फ वेसल्स होती है उनमें ड्रेन करते हैं, जिनको हम लैक्टियल्स भी कहते हैं, और ये लैक्टियल्स आगे जाके फिर वो प्लेक्सस से होते हुए और एंड में जो रीजनल लिम्फ नोड्स हैं वहां जाकर ड्रेन करते हैं। उसके बाद बात आती है आर्टेरियल सप्लाई की। अगर हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करें तो वैसे जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है उसकी ब्रांचेस ही स्मॉलर इंटेस्टाइन को सप्लाई कर रही है। उसके अलावा जो जेजुनम है और जो आपका इलियम है उसको सप्लाई करने के लिए जेजुनल ब्रांच और इलियक ब्रांच होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, वो सप्लाई करती है। इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, वासा रेक्टा, ये टर्म स्मॉल इंटेस्टाइन के रेफरेंस में आपको कई बार सुनने को मिल सकती है। वासा रेक्टा एक्चुअली क्या है, ये कुछ स्ट्रेट आर्टरीज होती हैं जो एनास्टोमोस करती हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के साथ और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विद इन मस्कुलर कोट और सब म्यूकोसा कोट ऑफ मेसेंट्रीज। तो ये जो पूरा पैच एक वेब लाइक पैच हमको नजर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं बना के आपको बताऊं, इस तरह से आप समझिए, बीच में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स है लार्ज के यहां पर, तो ये इस तरह से स्ट्रेट आर्टरीज हैं कुछ जो आर्क बनाते हुए इस तरह से मेसेंट्री में विद इन आप समझिए म्यूकोसा और मस्कुलर कोट के बीच में ये लाई करते हुए ऐसा बनाती है एक स्ट्रक्चर। और यहां पे जैसे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो सप्लाई कर रही है, यहाँ रेक्टल आर्टरी भी इसकी एक ब्रांच है जो इधर सप्लाई करती है, एक अपेंडिकुलर ब्रांच है वो सप्लाई करती है। तो ये मेसेंट्री जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है बड़ी आर्टरी है, इसके साथ ये सारी स्ट्रेट आर्टरीज जो हैं ये एनास्टोमोस करके एक वेब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विद इन सब म्यूकोसा और मस्कुलर कोट ये फॉर्म करती हैं, इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन की आर्टीरियल सप्लाई की बात आती है तो एक तो आप सुपीरियर मेसेंट्री कभी नहीं भूलेंगे, उसी की ब्रांचिंग इसके पार्ट्स को सप्लाई करती है। दूसरी चीज वासा रेक्टा जो एक वेब लाइक प्लेक्सस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है कुछ स्ट्रेट आर्टरीज विद फॉर्मिंग एनास्टोमोस बिटवीन योर सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड अदर आर्टरीज, तो इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं, ये भी आपको नहीं भूलना है।
स्मॉल इंटेस्टाइन्स की नर्वस सप्लाई की बात। तो अगर हम नर्वस सप्लाई देखें स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, तो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक दो तरह से हम सप्लाईज की पढ़ते हैं। जो सिंपथेटिक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के नर्वस सप्लाई में, वो T9 टू T11 तक के लेवल में हम देखते हैं। और एक याद रखने वाली बात ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जो सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक में ऑपोजिट होती हैं। फर्स्ट उसमें है स्फिंक्टर और दूसरा है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो सिंपथेटिक पार्ट है T9 टू T11 वाला पार्ट जो हैंडल करता है सिंपथेटिक सप्लाई, वो मोटर होता है, इट इज मोटर टू स्फिंक्टर्स बट इट इज इनहिबिटरी टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। साथ ही इट इज मोटर टू मस्कुलर कोर्ट ऑल्सो। तो लेकिन क्या होता है, पैरासिम्पेथेटिक पार्ट जो है वो ऑपोजिट है और उसमें जो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई है इट इज इनहिबिटरी टू पेरिस्टाइसिस स्फिंक्टर सॉरी बट इट स्टिमुलेट्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपको कंफ्यूजन ना हो, दो चीजें हैं, एक स्फिंक्टरिक पार्ट है क्योंकि स्फिंक्टर्स में भी मूवमेंट हो रहा है जो कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से ही होता है, और दूसरा आपका पेरिस्टाल्सिस है। तो जो स्फिंक्टरिक पार्ट है वो आपका सिंपथेटिक सप्लाई मैनेज करती है, मतलब वो उसके उसके हिसाब से ही चलता है, इट इज मोटर टू स्फिंक्टर्स बट सिंपथेटिक सप्लाई इज इनहिबिटरी टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बट इसी का एकदम अपोजिट पैरासिंपथेटिक में होता है, पैरासिंपथेटिक स्टिमुलेट्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बट इट इज इनहिबिटरी टू स्फिंक्टर्स। और इसके अलावा अगर पैरासिंपथेटिक की बात की जाए तो पैरासिंपथेटिक सप्लाई वेगस से होती है और इसमें दो प्लेक्सस हमें मिलते हैं, एक को हम ऑफ बैक्स प्लेक्सस बोलते हैं, ऑफ बैक्स प्लेक्सस, और दूसरा है आपका मेजनर्स प्लेक्सस। ये दोनों पैरासिंपथेटिक के पार्ट हैं दोनों प्लेक्सस। ऑफ बैक्स प्लेक्सस जो है आपका ये विद इन मस्कुलर कोर्ट्स प्रेजेंट होता है, और मेजनर्स प्लेक्सस विद इन सब म्यूकोसा, और दोनों में ही पैरासिंपथेटिक गैंग्लिया मिलते हैं। तो ये दो प्लेक्सेस भी आपको याद रखने हैं। उसके अलावा जो नर्व प्लेक्सेस हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो कि एक अलग हेडिंग के अंडर हम पढ़ते हैं, जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो मुझे लगता है आज हमने काफी कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, उसके स्पेशल फीचर्स, क्या डिफरेंस है स्मॉल और लार्ज में वो भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताऊंगी। आई होप It is all very much beneficial for you all. Thank you so much.